Assalamu alaikum, GRR. This is our second part of error deduction. We have already discussed 20 sentences before in our part 1 error deduction topic. So we are going to discuss from 21st sentence. Okay, we have covered this one firstly in our previous lecture. These we have already covered. So we will discuss 20 more sentences today. The first sentence is, the pen is mightier than sword. We have to find out the error, whether the pen in A option is the mirror, is a mystic, mightier, second, B is a mystic, then has the mystic, sword has the mistake or no error E. So we have to find out the error. See, yahan pe the pen hai, to ye parallel structure ho jayega. Parallel structure mein kya hota hai? The pen, agar uske saath article hai, to sword ke saath bhi hum article lagayenge. The pen is mightier than the sword. To second sentence hai, the red and green are his favorite colors, or there is no error. तो यहाँ पे भी एरर डिटेक्शन का टॉपिक है. आपकी डिफरेंट टेस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे कि इफ़ यू आर अपियरिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट आर इन मेडिकल इंजीनियरिंग आर इन जनरल यूनिवर्सिटी इन सिंध आर इन पाकिस्तान आर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर वेरियस पोस्ट फॉर इन एस पी एस सी पी सी एस आर इन एफ पी एस सी आर इन अदर एफ आई ए कस्टम्स जॉब. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैम. सो the red and green are his favorite colors. तो यहाँ पे article use नहीं होगा. red and green are his favorite colors. number 3 sentence है, his sister is a SDM in Lahore. there is no error. so यहाँ पे लग तो रहा है हमें s जो है ना वो consonant है तो इसके साथ a use होगा, पर हम consonant letter के साथ कभी भी a article इस्तेमाल नहीं करते. हम consonant साउंड के साथ ए आर्टिकल यूज़ करते हैं और वावल साउंड के साथ एन आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यू जो है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी होगा क्योंकि है तो वावल मगर साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है तो ए यूनिवर्सिटी होगा. देखिए अम्ब्रेला यहाँ पे यू है मगर साउंड अलिफ का दे रहा है तो एन अम्ब्रेला होगा यूज़. ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हिज सिस्टर एन एस डी एम, क्योंकि एस से अलिफ का साउंड आ रहा है पहले. एन एस डी एम इन लाहौर. ओके, तो आप सोच रहे होंगे तो स्कूल है, स्कूल के साथ हम ए कैसे लगाते हैं. बेसिकली ये स्कूल नहीं है, अगर स्कूल होता तो हम इसके साथ एन लगाते हैं आर्टिकल. ये स्कूल है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट है, तो इसके लिए इस वजह से हम ए आर्टिकल लगाते हैं. ए स्टूडेंट, ए स्कूल. ओके, सो फोर सेंटेंस, काइंड हार्टेड पर्सन गिव आर्म टू द बेगर्स. तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द एरर. तो यहाँ पे जो एरर है वो आर्म नहीं होगा, आर्म्स होगा. ओके, तो यहाँ पे जो जो ये प्लूरल यूज है जैसे आर्म्स है और वेजेस है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जिमनास्टिक्स है, आर्ट्स है, तो ट्राउजर्स हैं, रिमेंस है, सीजर्स हैं, तो ये जो एनल्स हैं, जो ये जो वर्ड्स हैं ना वो जो है ना हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, ये सिंगुलर में यूज़ नहीं होते. सो आप अपना रजिस्टर लें और आप जो है ना नोट करते जाएं. इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन अपीयरिंग फॉर द डिफरेंट एंट्री टेस्ट्स और इन एनी जॉब. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड. नंबर 5th सेंटेंस, टुडे इज़ द लेटेस्ट डे फॉर रिसीविंग ऑर्डर्स आर देर इज़ नो एरर. तो लेटेस्ट डे मतलब होता है रिसेंट डे. ओके, फ्रेश डे. लेटेस्ट मीन्स न्यू. तो यहाँ पे लेटेस्ट डे नहीं होगा, लॉस्ट डे होगा, क्योंकि जो है ना ऑर्डर्स रिसीव करने का आज लास्ट डे है. टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर रिसीविंग ऑर्डर्स. सो नंबर 6 सेंटेंस जो है, मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक आर देर इज़ नो एरर. के तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट वेयर इज़ द एरर एंड वेयर इज़ द मींस वेयर इज़ द मिस्टेक. तो यहाँ पे जो होगा, सॉरी मैंने लिख लिया है, मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ द वीक.
तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट इरर जो है ना, तो इसमें मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो इसमें कोई भी इरर नहीं है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट है उसके साथ भी द आर्टिकल लगा हुआ है, वीक के साथ भी द आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसमें कोई इरर नहीं है। तो नंबर 7 सेंटेंस है, इफ़ आई वर हिम आई वुड हैव टॉक टू हिम पीसफुली और देर इज़ नो एरर। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, इफ़ आई वर हिम नहीं होगा, इफ़ आई वर ही होता है, अगर मैं इसकी जगह होता। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, इफ़ आई वर ही, इफ़ आई वर अरे प्रिंसिपल, इफ़ आई वर प्रेजिडेंट, इफ़ आई, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, इफ़ आई वर ही, ओके, इफ़ आई वर यू, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं होगा। सो नंबर सेंटेंस 8 सेंटेंस, ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट्स। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट, ही थ्रू एरर, ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट्स, नो एरर, देर इज़ नो एरर। इस सेंटेंस में भी हमारी कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे शहबाज इज़ वाइजर देन ब्रेव, और इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे जो एरर है, तो शहबाज इज़ वाइजर नहीं होता, यहाँ पे शहबाज इज़ मोर वाइज देन ब्रेव, इसमें मोर वाइज होगा, मोर वाइज मोस्ट वाइज होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरर दिस वेल दिस वे। एंड नंबर 10 सेंटेंस जो है हमारा, वो है, माई फादर प्रेफर्स मिल्क देन टी। तो माई फादर प्रेफर्स मिल्क देन टी, तो प्रेफर्स जो है तो अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है, यहाँ पे माई फादर प्रेफर्स मिल्क टू टी होगा, देन टी इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे टू की मिस्टेक है, देन नहीं। नो लेस देन 50 persons वर किल्ड हेयर और देर इज़ नो एरर। तो यहाँ पे जो है हमारा यूज़ है नो लेस देन, तो यहाँ पे नो लेस देन नहीं होगा इस्तेमाल, हमारा यहाँ पे नो फ्यूअर देन होगा, एफ़ ई डब्ल्यू ई आर, फ्यूअर जो यूज़ करते हैं हम। लेस जो है बेसिकली जो है हम यूज़ करते हैं ओनली उसके लिए, क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, और जो फ्यूअर है हमारा वो नंबर को डिनोट करता है, जैसे मच और मैनी। मैनी जो है नंबर को डिनोट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो जो मच है, तो मच जो है वो एग्ज़ाम्पल क्वान्टिटी को डिफाइन करता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ मच वाटर इन द बॉटल, देर इज़ मच मिल्क मिल्क इन द बॉटल, जैसे कि मैनी और मच में डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट बॉयज़ लव मैनी गर्ल्स, ओके, यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। अगर मच होगा तो ऐसे होगा मोस्ट बॉयज़ लव मच, ओके। तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंशिएट, जो लेस है वो हमारा क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, तो और फ्यूअर है जो है वो हमारा नंबर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा है तो नो फ्यूअर यूज़ होगा। होप यू आर गेटिंग माई लेक्चर, एंड इफ़ यू डोंट, इफ़ यू आर स्टिल हैव अ कन्फ्यूजन देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर्स फर्दर क्लेरिफाई योर क्वेश्चंस। नंबर 12, ही इज़ सीनियर देन ऑल हिज देन ऑल ही कुलीग्स और देर इज़ नो एरर। ओके, तो यहाँ पे ऑल हिज कुलीग्स होगा, ही कुलीग्स नहीं, इस टाइपिंग मिस्टेक, ऑल हिज कुलीग्स, ही इज़ सीनियर देन ऑल हिज कुलीग्स। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, देन को रिप्लेस करेंगे आप टू के साथ, ओके। तो यहाँ पे होगा ही सीनियर टू, जूनियर टू होता है, सीनियर टू होता है, इन्फीरियर टू होता है, और जो है ना सुपीरियर टू होता है, ही सीनियर देन ऑल हिज कलीग्स, ओके। तो दिस इज़ द मिस्टेक। सो वी आर टू मूविंग टूवर्ड्स अर नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 13 सेंटेंसेस, देर वॉज नॉट द स्लाइट एक्सक्यूज़ फॉर इट आर देर इज़ नो एरर। तो यहाँ पे जो है ना, देर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज़ फॉर इट होगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, पॉजिटिव डिग्री नहीं होगी। देर वॉज नॉट द, देर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट, देर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट। तो नंबर 14 सेंटेंस जो है, देर इज़ मच टू बी सेड ऑन बोथ द साइड्स। तो देर इज़ मच टू बी सेड ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे जो मिस्टेक है हमारी,
तो यहाँ पे बोथ द साइड्स ने जो ये हमारा द आर्टिकल की मिस्टेक है टू बी सेड ऑन बोथ द साइड्स, ओके, तो द जो है ना हमारा रिमूव होगा, देर इज़ मच टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे आर्टिकल मिस्टेक है, द आर्टिकल आप इसको रिमूव कर दें। सो नंबर 15 सेंटेंस जो है, ए लिटिल नॉलेज ऑफ बिजनेस ही पजेस्ड स्टूड हिम इन गुड स्टेड, यहाँ पे जो है अ लिटिल नॉलेज नहीं होगी, यहाँ पे द लिटिल नॉलेज होगी, यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक है, अ लिटिल नॉलेज नहीं, द लिटिल नॉलेज यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि जो अ लिटिल नॉलेज है उसकी नेगेटिव मीनिंग है, ओके, तो इसका मतलब है हार्डली एनी, अ लिटिल मीन्स हार्डली एनी, ओके, तो इसके लिए हम द आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, द लिटिल नॉलेज ऑफ बिजनेस ही पजेस स्टूड हिम इन गुड स्टेड। सो नंबर 16 सेंटेंस जो है हमारा, उसमें द लेटर हैज़ बीन लॉस्ट बिटवीन मैनी बुक्स आर नो एरर, तो यहाँ पे जो द लेटर हैज़ बीन लॉस्ट बिटवीन मैनी बुक्स, तो यहाँ पे मैनी बुक्स मीन्स मोर देन टू बुक्स हैं, तो मोर देन टू बुक्स के लिए अगर कोई दो से ज़्यादा चीज़ें हों, दो से ज़्यादा पर्सनस हों, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अमंग यूज़ करते हैं, बिटवीन इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे जो एरर है वो एरर जो है हमारी बिटवीन में है, तो द लेटर हैज़ बीन लॉस्ट अमंग मैनी बुक्स होगा, तो यहाँ पे बिटवीन इस्तेमाल नहीं होगा। होप यू आर गेटिंग माई लेक्चर एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अपियरिंग इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स इज़ वेल। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, नंबर 17 सेंटेंस, द टीचर सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट, देखिए यहाँ पे परमानेंट एक्शंस हैं, मैंने अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के लेक्चर में आपको बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है बेसिकली वो परमानेंट एक्शंस के लिए यूज़ होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे हम पास्ट सिंपल या कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं करते। तो द टीचर सेड दैट द सन रोज, तो यहाँ पे रोज़ नहीं होगा, द सन राइजेज होता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम यूज़ करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, तो यहाँ पे जो है ना परमानेंट एक्शंस हो, जो आई सेलिब्रेट माय बर्थडे एवरी ईयर, जो परमानेंट एक्शंस हो उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ होगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, नंबर 18 सेंटेंस जो हैं, नो सूनर डिड शी सी माई फेस वेन शी बिगेन टू वीप और देर इज़ नो एरर, तो यहाँ पे जो होगा नो सूनर डिड शी सी, यहाँ पे नो सूनर डिड शी सी माई फेस वेन शी बिगेन टू वीप, तो यहाँ पे देन यूज़ होगा, देन शी बिगेन टू वीप होगा, यहाँ पे देन की वेन शी बिगेन टू वीप नहीं होगा, देन शी बिगेन टू वीप यहाँ पे मिस्टेक है, नो सूनर के साथ हम देन इस्तेमाल करते हैं, वेन इस्तेमाल नहीं करते, तो नो सूनर डिड शी सी माई फेस वेन शी बिगेन टू वीप, ओके, होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, तो आपको ये बात याद रखनी है, तो नो सूनर जो है वो फॉलोड करता है देन को, टी एच ए एन को, वेन को नहीं, ओके, आर एस को नहीं, सो कीप इन माइंड दिस थिंग। नंबर 19, आई एम क्वाइट सॉरी टू हीयर दिस न्यूज़ आर नो एरर, तो यहाँ पे आई एम क्वाइट सॉरी नहीं होता, आई एम वेरी सॉरी होता है, तो आई एम वेरी सॉरी टू हीयर दिस न्यूज़, तो यहाँ पे क्वाइट में मिस्टेक है, यहाँ पे क्वाइट की जगह आप जो है ना रिप्लेस करें वेरी को, तो ही हैज़ ईटन नथिंग फ्राम यस्टरडे, तो यहाँ पे फ्राम तो नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो इसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस yesterday. Hope you got all my lecture, and if you got all my lecture then ek like to banta hai yaar mere liye, to click the like, jab aap mujhe subscribe karte hain aur ek like lagate hain, I really appreciate this thing, okay, if you like my video then let me know, aapki one like jo hai na, it's really a kind of appreciation for me, मुझे और ज़्यादा अप्रिशंस मिलती है, देन आई मेक मच वीडियोज़ फॉर यू एज़ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम माई वीडियोज़ एंड यू गेट द जॉब द योर डिज़ायरेबल जॉब दैट यू वांट टू गेट आर यू
are appearing for the different entry test and you qualify the entry test. This is my purpose. Okay, so do subscribe my channel and click the bell button. जैसे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके और आप प्रिपेयर कर सकें डिफरेंट जॉब्स और एंट्री टेस्ट के लिए. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.